हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। आप सभी का स्वागत है मेरा टेम्पलेट पे। फ्रेंड्स, आज आप सभी के सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विशाल को, जो कि दिल्ली से आए हैं हमारे ऑफिस में। इनका हम एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं। सो उस क्या एंड्रॉइड ऐप है, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट डिस्कशन जो हमारे बीच में हुआ, सब कुछ मैं आपको ओपनली बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ विशाल जी, पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं एक ट्रेवल एजेंसी का काम करने जा रहा हूँ, जिसके मैं सर से मिला हूँ उनके बारे में ऐप बनाने के लिए। जो इनका मैंने यूट्यूब पे देखा था, काफी अच्छा लगा, तब जाके मैंने इनसे कांटेक्ट करा। इन्होंने मुझे बताया, सो इनका बताने का तरीका और काफी मुझे इनका कन्वेंस बहुत अच्छा लगा, मुझे इनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी। तो मैं इनसे कॉन्टेक्ट करने में दिल्ली से आज सुबह यहाँ पे इनके पास आया हूँ पुणे। हाँ, तो अभी मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि विशाल जी ने मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, तो मेरे को हो सकता है थोड़ा सा डर रहे होंगे अंदर से। तो फ्रेंड्स, अभी इनका क्या है कि टैक्सी एंड्रॉइड ऐप इनको बनवाना है, वो भी टेम्पलेट बेस पे, ज्यादा बजट नहीं है। ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट बेस पे बना रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऐप या फिर रिक्वायरमेंट बेस, दोनों का कॉस्ट अलग रहता है, दोनों का बनाने का तरीका अलग होता है। तो इनका जो एंड्रॉइड ऐप है वो है टैक्सी बुकिंग का है, जैसे ओला और उबर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट बेस ही बनाना चाहते हैं, बट इस बिजनेस को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में बूम करना चाहते हैं, जैसे ओला और उबर ने किया। फ्रेंड्स, पहले आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस करने से पहले ज्यादा बजट, ऐसा नहीं कि ज्यादा ह्यूज बजट होना चाहिए, स्मॉल बजट में भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। पर विशाल जी, जैसे आप मुझे बताइए कि आपका ये जो टैक्सी बुकिंग का जो आइडिया है, ये आपके मन में कैसे आया, मतलब क्यों सोचा आपने टैक्सी बुकिंग ही, जबकि मार्केट में और भी एंड्रॉइड ऐप चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। सर, मैं एक बार उबर में ट्रेवल कर रहा था, तो उबर के ड्राइवर ने बताया कि मुझे कुछ इनकम नहीं हो रही यहाँ से, उबर वाले काफी लूट रहे हैं, हमारे परसेंटेज ले जाते हैं वगैरह वगैरह। सो हमें को कुछ इनकम भी नहीं हो रही, हम जितना कमाते हैं उसका आधा वो ले लेते हैं, बाकी हमारा गाड़ी का खर्चा, और हमें कुछ बचत ही नहीं हो पाता। तो हम कुछ ऐसी कंपनी ढूंढना चाहते हैं जो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करे, हमें ज्यादा ज्यादा परसेंटेज दे वगैरह वगैरह। तो हम कुछ ऐसा सोच रहे, तब जाके मैंने सोचा कि कुछ आइडिया लगाए, इनके लिए कुछ बेनिफिट्स करें, इनको लाइफ स्टाइल दें। जो ये लाइफ स्टाइल जीना चाहते वो लाइफ स्टाइल जी नहीं रहे, तो हमको वो लाइफ स्टाइल देना चाहते, इसलिए जाके मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अच्छा, तो मतलब जैसे उबर और ओला, जहां तक मैं जानता हूँ ओला और उबर अपने कस्टमर्स को 35% या 30% जो भी इनका परसेंटेज वाइज 30 के अभाव ही रहता है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो आप ऐप हमसे बनवा रहे हो, जो टेम्पलेट बेस पे, बट स्टिल हमने इसमें सारे फीचर्स रखे हुए हैं, तो आप कितना परसेंटेज दोगे अपने ड्राइवर्स को? मैं अपने ड्राइवर्स को 90% दे रहा हूँ, 80-90% दूंगा, बस मैं अपने 10% रखूंगा, और उनको बाद में बेनिफिट्स बहुत दूंगा, उन्हें बोनस दूंगा, इंश्योरेंस, और महीने में बोनस, वो कहते हैं बम्पर प्राइस, गिफ्ट्स वगैरह। अगर वो हमारे 5,000 या 10,000 वन वीक में कमाते तो उनको परसेंटेज, इंसेंट, सब कुछ, इंसेंटिव। हाँ, इंसेंटिव। फ्रेंड, जैसे इन्होंने सोचा है कि लाइक अपने यूजर्स कस्टमर्स को 90% तक देंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि 90% ही देंगे, 90% तक देंगे, ठीक है। तो हालांकि स्टार्टिंग में आपका यू नो 90% देना, जहां तक मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा हो गया, यू नो अभी फिर आपको बड़ा कम बचेगा। 100 रुपए में 90 रुपए आप दे रहे हो, तो बिजनेस में आपको सिर्फ 10 रुपए बचेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको लॉस सहना ही पड़ेगा। आप फ्रेंड, स्टार्टिंग में बिजनेस में जब भी आप करते हो, तो ऐसा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते, जैसे विशाल जी ने स्टार्टिंग में प्रॉफिट के बारे में नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा है। यूजर्स जो ड्राइवर्स है, आपको पता होगा, अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, अभी हम लोग ही जो बिजनेस करते हैं एंड्रॉइड डेवलपिंग का, मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, डेवलपर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज मैं ओनर हूँ। डेवलपर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी सैलरी पेमेंट से, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए जो कि उसने पेमेंट किया है उसके वर्क से, ठीक है। तो ये अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाइड रख रहे हैं, ड्राइवर को भी सेटिस्फाइड रख रहे हैं, अपना बेनिफिट कम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है किसी बिजनेस को फास्ट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे एज कंपेयर ओला उबर से, इनके एप्लीकेशन में ऐसा क्या यूनिक देखने को मिलेगा आप लोगों को, हालांकि मैं ही बना रहा हूं, मैं जानता हूं, पर विशाल जी आप लोगों को बताएंगे। मेरा जो ओला उबर का है, अगर आप उबर को रात में बुकिंग करते हैं, जैसे 12 बजे के बाद कभी बुकिंग करते हैं, तो आपके जो प्राइस है, जो सुबह के जो प्राइस होते हैं, उसके डबल होते हैं। जैसे आप 40 किलोमीटर के आप 120 रुपए शो कर रहे हैं, तो वो उसके डबल होके 240 हो जाता है ऑटोमेटिक। सो अगर शाम में देखा जाए, तो शाम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक वही प्राइस जो 120 रुपए होता है, वो 240-280 तक पहुंच जाता है। ये प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो मैं जो प्राइस रखने वाला हूँ वो एक ही प्राइस होगा, जो दिन में भी चलेगा और रात में भी चलेगा, सब एक ही टाइम प्राइस चलेगा। और मैं इसके ऊपर अगर
बहुत बेनिफिट दे रहा हूँ मैं, मतलब ऑफ भी रख रहा हूँ कुछ, अगर 5 ड्राइव करते तो आपको ऑफ भी मिलेगा कुछ पैसे का, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। फ्रेंड्स जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ पे भी पॉइंट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर क्यों आएंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट में भी उन लोगों को सेम प्राइस मिल रहा, तो डेफिनेटली कस्टमर आएंगे। वैसे कस्टमर के पास पैसे बहुत कम होते हैं, वो सोचते रात में कैब बुक कर ले, लेकिन पैसे कम होने के चलते यार ये सुबह दिखाता इतने पैसे, अब दिखा रहे डबल, ये कैसे हो गया, वो इस चक्कर में कैब बुक नहीं करता तो वो पहुंच जाता है बस स्टैंड या कहीं और। हाँ, नहीं बहुत अच्छा आइडिया इनका। एंड सेकंड अब हम बात करेंगे विशाल जी, आप उसको बूस्ट कैसे करने वाले हैं, कैसे प्रमोट करेंगे, यूजर्स को कैसे लाएंगे। ठीक है, आपका आइडिया अच्छा लगा, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया यूजर्स को, बट आप लाओगे कैसे? यू नो ओला उबर के सामने एक पहाड़ के सामने आप खड़े हो, ठीक है, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो टैक्सी वाले से बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं, तो आप उनको कैसे यूजर्स को अपने पास कैसे लाओगे? जी मैंने सोचा है अभी मैं कुछ टेम्पलेट छपवाऊंगा और हर एक वेंडिंग, हर एक पार्टी, हर एक जगह जाकर लोगों को खुद जाकर बताऊंगा कि आप ये कंपनी आइडिया इतना, मतलब इतना बेनिफिट है, आप इतने राइड करोगे आपको इतना बेनिफिट मिलेगा पैसों का, इतना ऑफ है, आप एक बार बुक करिए, आपको 100 ड्राइव पे 10 kg का 10k का बंपर प्राइस मिलेगा 100 ड्राइव कंप्लीट करने पर। So, आप देखते ये भी बिजनेस आइडिया ही है देखा जाए तो 100 ड्राइव पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रमोशन, कुछ यूनिक होना चाहिए ना, इस हिसाब से मैंने करा। फ्रेंड्स इनका आइडिया है, ये लोकली प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है ये मोस्टली दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर जितने भी वहां पे इनके जो फ्रेंड्स हैं स्टार्टिंग में, तो अपने फ्रेंड्स या फिर जो ड्राइवर्स हैं जो इनके कुलीग्स हैं या फिर फ्रेंड्स, उनको ही टारगेट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, अगर अच्छा चलता है तो ये ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता चला ये टैक्सी ऐप बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है बिजनेस ऐप आप बना सकते हैं, जैसे कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहते हैं अगर उनसे पर्सनली मिलने आते हैं तो सामने मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं कि क्या उनका आइडिया है, कैसे बिजनेस करने वाले हैं, इससे आपको भी आइडिया मिल जाता है कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या आइडियाज होते हैं, किस तरह से बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे इसी तरह मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो जरूर बनता है यार विशाल जी की तरफ से, क्योंकि ये दिल्ली से आया है यहाँ पे आज सुबह एयरपोर्ट पे, मुझे कॉल किया था बट मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि फोन ऑफिस में था मेरा। तो फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अदर बिजनेस आइडिया जानने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।